शुक्रिया। चंद शेर मुझसे कहे गए हैं, मैं पेश करता हूँ गजल का मतलब कि आपको हमसे अदावत है बहुत, आपको हमसे अदावत है बहुत, गालिबन हम में शराफत है बहुत। ऐब दौलत से छुपा लेता है, ऐब दौलत से छुपा लेता है जी। लोग कहते हैं कि इज्जत है बहुत। वाह वाह, जोरदार तालियां हो जाए एक बार जी। जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया और शुरुआती शायरी सीखी और बहुत खूबसूरत अंदाज भी इसे माना जाता है, लेकिन चूंकि परिस्थितियाँ जो फिलहाल बनी हुई है, खासतौर पर मुरादाबाद का भी मैं जिक्र करूँ, तो यहाँ पर लोग खासे परेशान हैं, खासतौर पर किसान आंदोलन का जो जिक्र हो रहा है और सड़कों पर बैठे हुए हैं, सीमाओं पर बैठे हुए हैं देश का अन्नदाता। कहीं ना कहीं जज्बा जो है कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन तकलीफें काफी होती होंगी क्योंकि कड़ाके की ठंड है। एक हमारे देश के अन्नदाता के लिए कुछ खास यहाँ से आपके अंदाज में हो जाए। देखिए, जहाँ तक आप किसानों के आंदोलन का जिक्र कर रही हैं जी और लोगों की परेशानियों का जिक्र कर रही हैं जी, मैं इसमें अपना विचार जी ये रखता हूँ कि सरकार ने एक कानून बनाया और अभी वो कानून पूरी तरह से बन के सामने नहीं आया जी, और लोगों ने उसे पढ़ा भी नहीं जी, लेकिन उसकी सियासत गर्म करके आंदोलन करा दिया जी। तो ये जो सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, इन्हें ख़त्म होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि कहीं हरीफों में ऐसी अदा भी मिलती है, गले चिराग से आकर हवा भी मिलती है, और बता दो रास्ता भटके हुए मुसाफिर को, ये कारे खैर है इसमें दुआ भी मिलती है। बिल्कुल, और ये रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा और इसलिए सवाल बार बार यही उठ रहा है कि बीच का रास्ता क्या निकलेगा। हालांकि स्टे जरूर लग गया है कानूनों पर, लेकिन बीच का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही वो रास्ता भी निकले ताकि जो तमाम रास्ते कहीं ना कहीं बंद हैं और आम जनता को परेशानियां हो रही हैं थोड़ी बहुत, वो ना हो। इस बीच दो खास इसके ऊपर थोड़े से मैं अपने विचार जी बिल्कुल बोलिए सर। ऐसा है कि चेंज जो है ना प्रकृति का नियम है, अभी तक किसानों के लिए जो कानून थे अच्छे थे या बुरे थे या जैसे भी थे, समय के साथ हर चीज़ बदलाव मांगती है जी, और जब बदलाव आता है तो तकलीफ होती है। अभी जब यहाँ से हम दिल्ली जाया करते थे, मैं मुरादाबाद के साथ साथ दिल्ली बैठता हूँ, तो जब दिल्ली जाते थे तो पलगुआ का पुल अंडर कंस्ट्रक्शन था, बन जी, रहा था जी, बड़ी तकलीफ होती थी और बहुत सारी परेशानी भी होती थी। लगता था कि अरे यार ये क्या कर दिया, मोदी जी ये कर रहे हैं कि वो ये कर रहे हैं कि ये हो रहा है कि वो हो रहा है। जो दो घंटे का टाइम था वो चार घंटे पाँच घंटे कभी कभी छः सात घंटे भी हो जाते थे, बड़ी तकलीफ होती थी। क्यों? कि परिवर्तन हो रहा था। जब आज जाते हैं तो लगता अरे यार बहुत अच्छा हुआ, ये पुल बन गया, अब हमारी जो डिस्टेंस थी वो तो उतनी रही, बट वो जो टाइम था दिल्ली पहुँचने का वो और आधा घंटे कम हो गया। इसी तरह से जब किसानों के जो भी नियम कानून बने उनमें जो परिवर्तन आ रहा है, तो परिवर्तन तकलीफ देता है, हर किसी को देगा, जिसके साथ भी परिवर्तन होगा। अब जिस भी फील्ड में जाए वहाँ परिवर्तन जब भी आएगा जी, तो मौजूदा समय में जब परिवर्तन आ रहा होता है तो तकलीफ होती है जी, और जब परिवर्तन आ जाता है जी, तो वो सुकून देता है। बिल्कुल, और मेरा विचार ये है कि जो किसानों के साथ में हित में हो रहा है जी, मैं अहित कहीं परिवर्तन कभी अहित नहीं करता। लोगों को महसूस होता है जी कि नेचर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, प्रकृति खुद को भी परिवर्तित करती है। बिल्कुल, हम लोग का जो ओरिजिन हुआ सब कुछ परिवर्तन से हुआ है। बिल्कुल, कोरोना आया वो भी परिवर्तन से आया, नई स्ट्रेन आई वो भी परिवर्तन से आई, सारी चीजें परिवर्तन के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल, तो जो भी नए नियम आए हैं वो आज हमें तकलीफ दे रहे हैं, आज हो सकता है किसानों को भी तकलीफ दे रहे हों, लेकिन जब आने वाले समय में इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा और लोगों को उससे सुकून मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, तो यही सब उस ओवरब्रिज की तरह ही अच्छा लगेगा। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पर परिवर्तन ही नियति है और कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट करना भी चाहिए। गिरिजेश जी हमारे बीच हैं। सर, चूंकि स्वास्थ्य सेवाओं से आप जुड़े हुए हैं और सत्र खासतौर पर साहित्यकारों से जुड़ा हुआ है, एक सवाल आपसे, क्योंकि तस्वीरें कोरोना काल के दौरान ये भी हमने देखी जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंस माहौल के बीच में मरीजों द्वारा भी, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा भी कहीं पर डांस के वीडियोस वायरल हो रहे थे, कहीं पर कविताओं के वीडियो वायरल हो रहे थे, किस तरीके से हेल्प करता है खासतौर पर मेंटल जो प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए? बिल्कुल,
कोरोना काल में ज्यादातर प्रॉब्लम यही रही कि लोग घरों में रहे, जो हमारा सोशल सर्किल है उससे दूर रहे, घर में रहते रहते और मोबाइल लैपटॉप पे काम करते करते एक मेंटल स्ट्रेस बहुत हो गया था, जिसको रिलीव करने के लिए हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें इवन डॉक्टर्स कुकिंग कर रहे हैं, कुछ सिंगिंग कर रहे हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा हॉबीज़ हैं उनको हम बाहर निकाल के लेके आए। इससे एक दूसरे से हर किसी को प्रमोशन मिला, एक डॉक्टर ने किया फिर दूसरे ने किया, फिर हमारा एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में गया, फिर लोगों ने किया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि लोग जो स्ट्रेस में थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, जा नहीं पा रहे, किसी से मिल नहीं पा रहे, सुबह से शाम तक लिमिटेड रिसोर्सेस में काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। बिल्कुल, हौसला अफजाही कहीं ना कहीं होती है, और ख़ास तौर पर जो मेंटल प्रेशर होता है उस पर जो दबाव होता है कशी साहब, वो बहुत जल्दी, क्योंकि लोग संगीत का सहारा लेते हैं, लोग नाच गाने का सहारा लेते हैं। साहित्य की अगर मैं बात करूँ, मुरादाबाद का जो साहित्य है वो बहुत रिच रहा है हमेशा से, लेकिन धीरे धीरे 21वीं सदी की ओर जैसे हम बढ़े हैं और जो कल्चर हमारा वेस्टर्नाइज हो चुका है, क्या लगता है असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है? मैं आपको ये बताऊँ कि साहित्य में बड़ा परिवर्तन तो आया है जी। आज की शायरी महबूबा के जुल्फे और रुखसारों में नहीं फंसती है, बल्कि सामने के मसाइल पे बात करती है। आज सामने के मसाइल पे नई नस्ल का शायर बात कर रहा है, और यही वजह है कि आज नए शायर जो युवा पीढ़ी के हैं वो एकदम से सीनियर शायरों के से आगे निकलते चले जा रहे हैं। लेकिन ये भी कहीं दरअसल ये शहर जिगर है। कारण क्या है? मैं बता रहा हूँ, ये शहर जिगर है, जिगर मुरादाबादी का शहर है। दरअसल जिगर के ऊपर जब बात होती है तो मैं एक बात कहता हूँ कि ये कड़वा सच है कि हमने शहर जिगर तो कह दिया, लेकिन जिगर के नाम पे हमने जिगर को दिया क्या। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मुरादाबाद वालों ने तो जिगर की एक अदद बीबी थी उसे भी लेके भाग गए। जिगर वो शायर रहा जिसका नाम मुरादाबाद से जुड़ा और जो जाके दफन हुआ गोंडा के अंदर, जो मुरादाबाद में दफन भी नहीं हो पाया। दरअसल हम सिर्फ जिगर के नाम से मुरादाबादी लगाकर खुश हो रहे हैं। जिगर के नाम पर यहाँ संस्थाएं बनी, ये कड़वा सच है। मुझे आज इस चैनल से कहते हुए कतई शर्म नहीं आ रही, मैं संस्थाओं के नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पर गवर्नर तक आए कार्यक्रमों में, गवर्नर ने जमीन का ऐलान किया, गवर्नर ने फंड का ऐलान किया, राजेश पायलट ने फंड का ऐलान किया और पुराने कई MPs ने फंड का ऐलान किया। वो फंड कहाँ गया? उस संस्था के खाते से गया कहाँ जहाँ पर जिगर ऑडिटोरियम बनना था? आज न जिगर ऑडिटोरियम है, न वो जिगर ऑडिटोरियम की जगह है। दरअसल हमने जिगर के नाम से किया क्या? आज भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खाली हम उसके नाम से संस्थाएं बना रहे हैं। लेकिन लेकिन आपसे व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूँ कि साहित्य को बचाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं, या फिर आपका मत क्या है, क्या कुछ होना चाहिए आने वाले समय में? जी, यहाँ पर साहित्य को बचाने के लिए दरअसल होता क्या है कि सच्चाई ये भी कड़वा सच है कि आज नई नस्ल का शायर जब आगे बढ़ता है तो हमें ही बर्दाश्त नहीं होता जी। मैं किसी का नाम ले लेके मैं अपने ऊपर ही कहूँगा कि मुझे ही बर्दाश्त नहीं होता कि यार ये इसकी दुकान मुझसे अच्छी क्यों चलने लगी। और मैं उसके ऊपर ऐसा क्यों, ये तो हेल्दी कंपटीशन है ना, ऐसा क्यों, हेल्दी कंपटीशन लीजिए। मैं भी बता रहा हूँ, और जब हेल्दी कंपटीशन के अंदर हम वो आगे बढ़ता है तो उसको उसके ऊपर गलत इल्जाम भी लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें भी दो राय नहीं कि सस्ती शोहरत पाने के लिए बहुत गलत गलत काम साहित्य में कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लोगों ने साहित्य में ये तक किया कि पूरी दुनिया के अंदर मुशायरे पढ़े और उन्होंने चंदा इकट्ठा किया यूनिवर्सिटी के नाम पर। आज वो यूनिवर्सिटी कहीं नज़र नहीं आती जी, पूरी दुनिया से उन्होंने चंदा लिया, तो ये साहित्य को बेचा क्यों जा रहा है? उस पर भी विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आप साहित्य को संजो कर रखना। सोलंकी साहब, आपसे जानना चाहूँगी, कैंसर रिसर्च के क्षेत्र में होम्योपैथिक पद्धति द्वारा आप यहाँ पर चिकित्सा उपलब्ध करवाते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान बहुत ज़्यादा न सिर्फ फिजिकली अफेक्ट होता है बल्कि मेंटली भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। क्या लगता है कि आप जो संस्कृति है, जो साहित्य है, आप जो संगीत है, वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है यहाँ पर कम से कम मेंटल स्ट्रेस जो है उसको कम करने को लेकर, और ख़ासतौर पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर इस प्रकार का कोई प्रोग्राम ख़ासतौर पर वैसे मरीजों के लिए आयोजित करवाया जाता हो? उसे हम लोग काउंसलिंग कहते हैं। ओके, क्या कुछ एक्चुअली क्या होता है कि जिस पेशेंट को कैंसर डायग्नोस होता है, जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि हाँ भाई आपको कैंसर कंफर्म हो गया है, तो वो हर मरीज ये सोच लेता है कि अब मृत्यु मेरी निश्चित होगी। अब
मैं ही हूँ, मुझे पता है कि मुझे वही 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या सालों बाद मरना है जी। तो अब मैं, मेरे ऊपर स्ट्रेस का लेवल कितना हाई होगा कि यार ये भी करना था, ये भी करना था, बेटा भी है, बेटी भी है, उसके साथ साथ जो उसके अटेंडेंट्स के फैमिली वाले होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस लेवल आ जाता है। सिर्फ डायग्नोस होते हैं, अभी ये नहीं पता कि क्योर होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, किस स्टेज में है, क्या है, लेकिन सिर्फ डायग्नोस होते ही कैंसर का नाम जहाँ जुड़ा तो मरीज और मरीज के घर वालों ने सोच लिया कि अब डेथ आ गई जी। तो अब हम लोग काउंसलिंग कराते हैं पेशेंट्स की, कि सबसे पहले तो उसको आपको क्लियरली बताना होता है कि आपको कैंसर किस स्टेज में है, ये आपके मतलब प्रोग्नोसिस है कि भाई आप ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते जी। और ऐसे इंसान के साथ कि जो ईश्वर ना करे कोई दुनिया छोड़ के जाए, लेकिन उसके साथ आपको सब कुछ क्लियर बता करके फिर उसके बाद उसके आप मेंटल लेवल को कैसे, जो स्ट्रेस है स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करेंगे जी। तो उसके फैमिली मेंबर्स को बुलाया जाता है, उनके साथ में बैठक की जाती है जी। उनको बताया जाता है कि आप उनको ऐसे बिजी रखिए जब तक पेशेंट खुद नहीं चाहेगा कि मैं ठीक हो जाऊँ जी, तो जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। तो तरीके जब एक, एक, एक बार पेशेंट के मन में आ गया जी कि हाँ भाई डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसे बताया और मुझे ऐसे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को ऐसे कम रखना है, तो मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, जब एक बार उसके मन में आ जाता है तो हम लोगों को साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है पेशेंट को क्योर में जी। तो ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं फैमिली को इकट्ठा करके, बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और एक तरीके की डिजीज की तरह ही वो काम करता है। कशिश साहब आप ही से जानना चाहूंगे, जिक्र आप कर रहे थे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है कि हम लोग उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि यहाँ की जो संस्कृति है यहाँ के साहित्य को बेचा जा रहा है, लेकिन जिगर मुरादाबादी का जिक्र आपने करके इस पूरे टॉपिक की शुरुआत की थी और जिगर मुरादाबादी ही लिखते हैं कि आपकी दिलचस्पी हो जमाने में अहले दिल, हम वो नहीं जिसको माना बना गया। कहने का मतलब ये, जिगर मुरादाबादी हो या फिर आप हो या फिर कोई भी ऐसा साहित्यकार हो या शायर हो, उसको अपना जो स्थापित उसने किया हुआ है उसको कोई बदल नहीं सकता है। आज का जो युवा है उसका अपना एक टैलेंट है, आप जो विरासत लेकर आ रहे हैं उसकी अपनी एक खूबी है, आप उसको कैसे कहेंगे यहाँ पर कि उसको बेचा जा रहा है? ना ना ना, हम वही विरासत लेके आ रहे हैं जी, जो जिगर मुरादाबादी की विरासत है जी। हम चाहते हैं कि हम जिगर के पद चिन्हों पर चलें जी, और अगर हम जिगर के पद चिन्हों पर चढ़कर, आदरणीय संजीव आकांक्षी जी हमारे बीच आए हैं, साहित्यकार हैं संजीव आकांक्षी जी, माफ कीजिएगा, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए हो जाए, इनसे भी बातचीत होगी जी, बोलिए। तो दरअसल हम जिगर के पच्चीनों पर चलना चाहते हैं, आज हम कहीं जाते हैं तो हमारा तारुफ मुरादाबाद के नाम से नहीं होता है, हमारा तारुफ पीतल नगरी के नाम से नहीं होता है, बल्कि एंकर हमारा तारुफ कराता है कि शहरी जिगर से कशिश्वारती आए हैं जी। और जब हमसे ये पूछा जाता है कि कशिश साहब मुरादाबाद के अंदर जिगर के नाम पर क्या क्या हो रहा है, तो हम ये बताते हैं कि जिगर साहब तो गोंडा में दफन है, जिगर साहब को हमारे मुरादाबाद का जहाँ पर जिगर साहब नौकरी करते थे उनकी बीवी को लेके भाग गया था, हमने जिगर को कुछ नहीं दिया, उनके नाम से एक ऑडिटोरियम भी हम नहीं बना पाए, हाँ ऑडिटोरियम के नाम पे पैसा आया था वो एक संस्था खा गई, ये बताएंगे हम? दरअसल मैं इस डाइस से मांग करता हूँ, दरअसल हाँ ये हमारा ही वो था कि जब यहाँ पर कृषि प्रदर्शनी हुई, जिला कृषि प्रदर्शनी का पहला कार्यक्रम होने जा रहा था, तो जब स्टेज बनने का नाम आया तो हमने ये कहा, हमने कहा साहब जिगर के नाम पे मुरादाबाद में कुछ नहीं मिला है अभी तक, आपसे दरख्वास्त करते हैं डीएम साहब कि आप इस मंच का नाम जिगर मंच कर दें। आज जो स्टैंडर्ड मुरादाबाद के कलेक्टेड कर्मचारी संघ के मुशायरे का था एक ज़माने में, आज जिगर मंच का वही स्टैंडर्ड आ गया है कि लोग ये चाहते हैं कि जिगर मंच पर हमारा एक कार्यक्रम हो जाए और बाहर के शहरों में जाके हम ये बताएं कि हम जिगर मंच पर कार्यक्रम करके आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नाराजगी आपके जहन में बहुत है जो शब्दों से कहीं ना कहीं झलक रही है, लेकिन ये तो सियासतदारों का फर्ज है, अहले सियासत को जाने, मैं यहाँ पर पैगाम लेकर आई हूँ कि मोहब्बत दूर तक पहुँचे, जिगर का शेर है कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, मैं यही इसीलिए दरख्वास्त आपसे करना चाहूंगी कि मोहब्बत को लेकर कुछ थोड़ी सी शेर व शायरी हो जाए तो माहौल जो इतना गर्मा गया है थोड़ा सा नर्म हो जाए। मोहब्बतों का निगाहों में तीर रखते हैं, मोहब्बतों का निगाहों में तीर रखते हैं, बहुत ही पाक हम अपना ज़मीर रखते हैं, और अमीर शहर डराओ नहीं खिलौनों से, अमीर शहर
डराओ नहीं खिलौनों से, तुम्हारे जैसे खिलौने फकीर रखते हैं। और ये शेर भी सुनने संजीव जी, आप शतरंज के खिलाड़ी हैं, आपको शेर पसंद आएगा कि बिसाते वक्त पे बाजी पलट भी जाती है, बिसाते वक्त पे बाजी पलट भी जाती है, ये और बात के पैदल वजीर रखते हैं। जी बिल्कुल, जोरदार तालियां हो जाए इस खास शायरी के लिए। संजीव जी जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कशिश जी की, खिलौने हमको वो ना दिखाओ, यहाँ पर हम गरीब भी वो खिलौने रखते हैं। इशारा किस तरफ हो रहा है, क्या लगता है साहित्य को लेकर जो बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या ये पॉजिटिव है या फिर इसकी कोई नेगेटिव चीजें सामने आ रही हैं? देखिए कशिश साहब ने बहुत बेहतर बात करी, व्यक्ति किसी भी मकाम पर हो, किसी भी मंच पर हो, जो उसका अपना व्यक्तित्व है, जो बहुत सालों में जाकर के बनता है, वो वैसी ही बात करेगा। कशिश साहब जिस मिजाज की शायरी करते हैं, जिस तेवर की शायरी करते हैं, उन्होंने वही बात की। दूसरी बात ये कि मुरादाबाद को लेकर के जो उन्होंने अपनी पीड़ा रखी, जब हम ज़्यादा उम्मीदें करते हैं और वो पूरी नहीं होती तो तकलीफ होना लाजमी है। जिन बड़ी शख्सियत की वो बात कर रहे हैं, जिगर साहब की, वास्तव में उनके नाम से मुरादाबाद में बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन हम केवल कमी ही देखते रहें, एक ही पहलू देखें, वो मैं बेहतर नहीं मानता। जिगर साहब के नाम से मंच है और वो मंच है जहां सुनिधि चौहान और सोनू निगम जैसे बड़े कलाकार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस उस मंच पर दी है। मैं नहीं समझता हिंदुस्तान का कोई बड़ा कलाकार या किसी बड़ी विधा की जिनकी मंचीय प्रस्तुति होती है वो उस मंच पर ना आए हों। मैं समझता हूं ये मुरादाबाद वासियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिगर साहब का इससे बड़ा सम्मान हम और क्या कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये, जिगर साहब के नाम से पूरी कॉलोनी है, जिगर साहब के नाम से एक रोड भी है। इसके बावजूद क्योंकि हमारी उम्मीदें ज्यादा हैं सरकार से, व्यवस्था से हमारी उम्मीदें ज्यादा होती हैं, तो होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो गया, ये काफी है, लेकिन ये होना भी चाहिए, और भी बहुत कुछ उनके नाम से हो सकता था। इसमें बेहतर यह हो सकता था कि कोई ऐसा उर्दू का इदारा तैयार होता जहां जिगर साहब के जो उनका काम है उस पर शोध हो, उस पर काम हो, और नई जनरेशन को उनसे संबंधित जो शायरी है, जो शायरी सीखना चाहते हैं या जो उर्दू दाह हैं, जो उर्दू की शिक्षा लेना चाहते हैं, उस पर भी काम करें। मतलब आलमी बात को लेकर के हम चलना चाहें, हम चाहें कि अगर शिक्षा की बात हो तो उसमें जिगर साहब के काम की का समावेश होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जैसा कि आपने कहा बहुत अच्छा पॉइंट भी है कहीं ना कहीं यहाँ पर, कि हमेशा नेगेटिविटी को ही देखने से अच्छा है कुछ पॉजिटिविटी भी मिल रही हो तो उस पर ही प्रकाश डाल लेना चाहिए। कशिश साहब आप क्या इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे, क्योंकि तब से आप कह रहे एक भी मंच नहीं है और यहाँ पर संजीव जी ने यहाँ पर तमाम लिस्ट आपको गिनवा दी। दरअसल जो संजीव जी ने गिनाई है वो जिगर रोड तब बना था जब जिस इलाके में जिगर साहब रहते थे और जब जिगर साहब की गोंडा के अंदर मौत हुई थी। बहुत पुराना रोड है जो है, और आज उसके पत्थर के ऊपर जहाँ पत्थर लगा हुआ था वहाँ एक शौचालय बना हुआ है, एक बात जी सही बात है। दूसरी बात, जिसका नाम जिगर कॉलोनी के नाम से कहा जा रहा है, जिगर विहार कहा जा रहा है, यहाँ मैं एक संस्था का जिक्र करूँगा कि एक एजुकेशनल फिल्म सोसाइटी थी, उसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी और जब वो चाहती थी कि जिगर के नाम पर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही है उसमें जिगर के नाम से कुछ चीज़ों को दर्शाए, तो उस वक्त यहाँ पर एक जिगर पार्क हुआ करता था जिसके ऊपर पुलिस का कब्जा था। तो जब वहाँ कैमरे लेके पहुँचे तो पुलिस वाले आ गए, भाई क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा भाई जिगर पार्क की शूटिंग कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा भाई तो बड़ी बेइज्जती होगी पूरी उसमें। तो उस वक्त यह हुआ कि तत्कालीन डीएम ने और उस जमाने ने वीसी से बात की गई और एक कॉलोनी नहीं बन रही थी, उसका नाम जबरदस्ती के तौर पर फिर जिगर विहार रखा गया। तो ये जितने काम हुए हैं जिगर के नाम पर वो जबरदस्ती के तौर पर हुए हैं। काम तो हो रहा है ना, लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई है। एक बार समझ ली, मैं जिक्र इस बात का कर रहा था कि हम, आपने कहा कि हम जिगर के वारिस नहीं, हम जिगर के वारिस हैं, हम जिगर के पद चिन्हों पर चलना जा रहे हैं, हमारा तारुफ जिगर के नाम से होता है। तो हम जिस रोड का जिक्र मेरे भाई आकांक्षी ने किया कि जब वो पूछेंगे साहब जिगर रोड कहाँ है, वहाँ मुरादाबाद में कोई आदमी बाहर का शहर आएगा तो हम आके दिखाएंगे ये है जिगर रोड, ये शौचालय, यहाँ पत्थर लगा हुआ था, शौचालय बन गया, ये दिखाएंगे हम। एक बार मैं खुद कह रहा हूँ कि जिगर मंच का प्रस्ताव मेरा था जी, मुझे मोहब्बत थी जिगर से। हम मंच दिखाएंगे ना, मंच हम उस मंच को दिखाते हैं आज। लेकिन मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि जिस
कलेक्ट्रेट के में जो मुशायरा हुआ था उर्दू एकेडमी का, जिसके अंदर गवर्नर ने जमीन का ऐलान किया था, जिसके अंदर दो तीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पैसा आया था हॉल बनने के लिए, वो जमीन जिगर ऑडिटोरियम की, और वो पैसा कहाँ चला गया उसकी जांच होनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि वो जिगर ऑडिटोरियम का पैसा कहाँ गया। ठीक है गिरीश जी, आपसे जानना चाहूंगी, कई वीडियोस हमने ऐसे भी देखे कोरोना काल जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर था, डॉक्टर्स भी यहाँ पर मरीजों का हौसला अफजाही करते हुए नजर आए, कहीं पर वो अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाते हुए नजर आए, कहीं पर डांसिंग टैलेंट दिखाते हुए नजर आए। तो एक तो आपको कोरोना मरीजों का इलाज करना है, ऊपर से आप उनकी हौसला अफजाही कर रहे हैं, वो बहुत ही वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स जिसमें ये सब प्रतिभाएं हैं उनके लिए कोई खास पहल? बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये सब किया था जी, और हम लोगों ने ना कि मनोरंजन किया, साथ में ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी बहुत किया है। मुरादाबाद के ही तकरीबन 80% ऐसे डॉक्टर्स थे कि उस टाइम पे ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहे थे, चाहे वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो या और वीडियो प्लेटफॉर्म के तरह हो या मोबाइल ऐप के थ्रू, हम उस चीज़ पे ट्रीट कर रहे थे। दोनों तरीके से हमने सपोर्ट किया है पब्लिक का, भी एज ए डॉक्टर बन के और एज ए मोटिवेटर बन के। एज ए आई सर्जन, मैं एक आई सर्जन हूँ, तो मेरा काम और ज़्यादा बढ़ गया था कोविड के टाइम पे, क्योंकि सारा का सारा सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल हो रहे थे, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ऑनलाइन क्लासेस, जूम मीटिंग, सेमिनार्स, एवरीथिंग इज़ देयर। और हर आदमी इस चीज़ से परेशान था कि भाई अब आँखों में दर्द हो रहा है, आँखों में परेशानी हो रही है, आँखों में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर और मोबाइल एक्सेसिव यूज़ करने के कारण पूरे कोविड में इतनी परेशानी थी, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से डील किया और उनको ट्रीट भी किया और उनको मोटिवेट भी किया। और मोटिवेशन जिंदगी में बहुत जरूरी है, फिर चाहे जिंदगी के आपके आखिरी क्षण ही क्यों ना हो, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। कशिश साहब, समय कम है इसलिए एक मोटिवेशन के तौर पर कुछ शायरी आप उन तमाम डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि किसानों के लिए मैंने बोला तो आपने इनकार कर दिया, डॉक्टर्स के लिए मुझे उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे, मोटिवेशन के तौर पर कुछ शेरो शायरी हमारे डॉक्टर्स के लिए। हम सलाम करते हैं इन डॉक्टर्स को, क्योंकि मेरा ताल्लुक जहाँ शायरी से है वहाँ सहाफत से भी है जी, और संजीव आकांक्षी जी का ताल्लुक भी जर्नलिज्म से है, ये भी हमारे जर्नलिस्ट साथियों में शायर के साथ साथ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस कोरोना काल के अंदर अगर ऊपर वाले ने जी किसी को ताकत बख्शी तो वो सिर्फ जहाँ प्रशासनिक अधिकारी थे वहाँ ये डॉक्टर्स थे, वहाँ पत्रकार थे, बिल्कुल, या जो भी। इस बात पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए, तमाम कोरोना वॉरियर्स हैं ये, और जी ये खुशनसीबी है मुरादाबाद की जी कि हाँ, अगर डॉक्टर निजामुद्दीन का नाम हटाकर सिर्फ एक डॉक्टर, इसमें मैं तो शहीद कहूँगा कि इस कोरोना काल में शहीद हुआ मरीजों से लड़ते हुए, बाकी किसी पत्रकार की, प्रशासनिक अधिकारी की और डॉक्टर्स की कोई मौत नहीं हुई। मैं जहाँ तक मैंने शायरी का ताल्लुक है, दरअसल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इसमें कि दरअसल मेरा शेर है, मुझे दो मिनट जी बिल्कुल मैं उसे कैलकुलेट कर लूँ अपनी जगह। इसी बीच संजीव, तुम सुनाओ। संजीव जी आप कुछ। देखिए मुरादाबाद अधिवेशन की बात है जी, यहाँ मुरादाबाद में कुछ और भी चर्चा हो जानी चाहिए, बिल्कुल बता देता हूँ मैं। जिगर साहब के हवाले से हम बात करते हैं तो इससे बड़ा नाम शायरी में और हमें क्या चाहिए। दूसरी तरफ हम जाते हैं तो सूफी अंबा प्रसाद जी, मैं समझता हूं दुनिया भर में ये एक अकेला ऐसा नाम होगा जिनका नाम अंबा प्रसाद है, लेकिन ईरान में उनकी आज भी कब्र है, वहां उर्स होते हैं और उन्हें सूफी कहा गया। ये बड़ी बात है, यह आजादी के समय उनका बहुत योगदान था। इसके अलावा उसके बाद की एक बहुत बड़ी फहरिस्त ऐसी है जिसमें मुरादाबाद में तमाम बड़े नाम, चाहे वो संगीत को लेकर के हों, क्योंकि मैं कलाकारों के बीच में जुड़ा रहता हूं, एक अहमद जान थरकवा, मैं उसी पारा था जी। मैं खुद नवाबपुरे का रहने वाला, हमारे तमाम ऐसे मित्र हैं मीडिया में भी हैं बहुत सारे मित्र, हम नवाबपुरे के रहने वाले हैं। अहमद जान थरकवा एक बड़ा नाम है तबले में, जितने भी आपको जो आज जाकिर हुसैन साहब का आप नाम लेंगे तबले में, जितने भी आपको घराने मिलेंगे वो सब अहमद जान थरकवा साहब की ही लिस्ट में शामिल है, उनकी ही शागिर्दी के सब ये नाम है। ऐसे तमाम बड़े नाम संगीत में, अभी इन दिनों हम एक फेसबुक पर जब जुड़ाव हमने करा लोगों से
तो पता लगा कि मुरादाबाद की ऐसी चार पांच बेटियां हैं जो हिंदुस्तान से बाहर यूरोप कंट्रीज में अपना इंस्टीट्यूट चला रही हैं क्लासिकल का। बिल्कुल, यानी कि बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित करने वाली सर बात है, समय की कमी है। बस एक आखिरी शेर जो आप याद कर रहे थे, अगर आपको याद आ गया हो तो। तिवारी जी आदरणीय आ गए हैं, मुरादाबाद का गौरव, आदरणीय व्योम जी, मनोज स्थोगी जी, हमारे तीन बड़े मतलब इंटरनेशनल लेवल के। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए भी हो जाए। सर आखिरी शेर आप फरमाना चाहें तो। माइक दे दीजिए सर को, एक माइक दे दीजिए। महेश्वर जी, यहाँ पर जिक्र हो रहा था किसानों का, उन पर कुछ दो लाइनें इन्होंने कहने से इनकार कर दिया, लेकिन डॉक्टरों की चूंकि बात हो रही थी, यहाँ पर हमारे बीच में दो डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, डॉक्टरों के लिए दो लाइनें हो जाए क्योंकि समय की बहुत कमी है सर। एक चेयर लगवा दीजिए। बैठिए जी। महेश्वर जी, चर्चा का विषय क्या है? विषय है यहाँ मुरादाबाद का साहित्य, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। साथ ही हमारे दो डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स ने भी मनोरंजन किया कोरोना काल के दौरान, एक मेंटल स्ट्रेस को तो कम से कम कम किया है। तो मैंने उनसे जिक्र यही किया था कि डॉक्टर्स को भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, तो मोटिवेशन के लिए दो लाइनें यहाँ पर हो जाती, तो उन्होंने कहा आप दो लाइनें यहाँ पर फरमाएंगे। नहीं, मतलब एक बात आपसे ये कह दूं जी कि मोटिवेशन शायरी में ही हो जी, ये जरूरी नहीं है जी। सबसे बड़ी चीज है कि साहित्य को आप इतना सस्ता मत बनाइए जी कि वो चौराहे पर चला जोर गरम जैसा हो जाए जी। मैं डॉक्टरों के प्रति नहीं, क्या पूरा देश आभार व्यक्त करता है कि जिस संकट से हम गुजरे हैं पिछले दिनों, उसमें उन्होंने न केवल लोगों को सेवा की, बिल्कुल, बल्कि बाकी लोगों को में भी हिम्मत ये पैदा की कि अभी हम अकेले नहीं हैं, हमें बचाने वाले लोग हैं, और वो निश्चित रूप से, मैं ये तो एक कुछ शब्द होते हैं जी जिनका प्रयोग करते हैं, वैरियर्स का प्रयोग किया गया, वैरियर्स का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इनमें जो समर्पण है सबसे बड़ी चीज ये है। डॉक्टर्स को हम दूसरा ईश्वर मानते रहे हैं, बिल्कुल, उसका प्रतिनिधि मानते रहे हैं, और इस काल में हमारे डॉक्टर्स ने, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों ने जी जिस तरह से देश के लोगों की आकर के सेवा की है, बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है एक डॉक्टर हेमंत कुमार थे जी, गोरखपुर में होम्योपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर थे जी। उन्होंने जहाँ वो बैठते थे पीछे लिख रखा था जी, आई सर्व ही क्योर्स। ये प्रार्थना जो है, इस प्रार्थना को डॉक्टर्स ने सार्थक किया है। इस बीच मैं मुरादाबाद की तरफ से, अपनी तरफ से जी, और देश की तरफ से इन सारे डॉक्टर्स को, मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां उन डॉक्टर्स के लिए भी हो जाएं, क्योंकि यही वजह है कि आज चूंकि सत्र साहित्य के ऊपर था, यहाँ की संस्कृति के ऊपर था, लेकिन डॉक्टर्स को हमने बिठाना जरूरी समझा। चूंकि समय की थोड़ी सी कमी है, इसीलिए यहीं पर वाइंड अप करना होगा, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हिस्सा बनने के लिए। कशिश वारसी जी आप जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। संजीव आकांक्षी जी, महेश्वर तिवारी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और कैन साहब आपका भी शुक्रिया, और सोलंकी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां एक बार हमारे खास मेहमानों के लिए जिन्होंने
साहित्य पर बातचीत की और किस तरीके से मुरादाबाद में इसको आगे लेकर जाया जाएगा। हालांकि कल्चर थोड़ा सा वेस्टर्नाइज जरूर हो रहा है और जो नई पीढ़ी है वो उसके तौर तरीके जरूर अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि नींव मजबूत होती है तो इबारत जो होती है वो डगमगाती नहीं है। और पावर्ड बाय यूपी गवर्नमेंट एसोसिएट स्पॉन्सर आशीष फीड से बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल आशीष फीड और मुरादाबाद मेडिसिटी